तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारे पास है Hyundai Venue 1.5 लीटर डीजल इंजन एस प्लस या एस ऑप्शनल मॉडल। हम आज करने वाले हैं इसका वॉक अराउंड, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सारी चीज़ें, फीचर्स, जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं इसकी इस गाड़ी में, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके डिटेल्ड वे में बताऊँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, वीडियो पूरी देखिएगा अगर आपको ये गाड़ी लेने की आप सोच रहे हो। हर एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा इसमें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंजन बे से, यूजुअली हम यहीं से ही शुरुआत ही करते हैं। तो वैसे इसका हुड तो थोड़ा सा काफ़ी हैवी है। ये है इंजन बे, 1.5 लीटर का CRDI 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है आपको। और ऐसा सा कुछ इसका यहाँ पे सिनेरियो है। नीचे आपको भी जो कवरिंग है ना इंजन बे की, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे फुल कवरेज नहीं मिलता, बट हाँ कहीं कहीं पे है अगर आप अंदर देख पाओ तो। बाकी इंसुलेशन आपको कुछ भी नहीं मिलता है, इट्स ऑल बेयर बोनेट। तो ऐसा सा है। ओके, इसको हम कर देते हैं बंद। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाकी सारी चीज़ों से। सबसे पहले तो आपको ये बड़ी सी ब्लैक्ड आउट क्रोम ग्रिल देखने को मिलती है, विच लुक्स स्टनिंग, अलग प्यारी लगती है भाई साहब ये ग्रिल। देन इसके बाद हमें यहाँ पे ये इंडिकेटर है, ये एक पार्किंग लाइट है। देन इसके बाद हमें यहाँ पे एक हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प देखने को मिलता है, जो कि अगर आप पेट्रोल इंजन लेते हैं तो यही आपको इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है। देन हमें यहाँ पे कोई भी फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलता है। देन ये है आपका टो हुक का लिड, यहाँ से आप टो हुक यू नो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी आई की रजिस्ट्रेशन प्लेट, जो आपकी नंबर प्लेट होती है। इसके अंदर अगर आप देखो तो ऊपर साइड पे यहाँ पे ये पैक्ड है, बट ये इतनी जो ग्रिल्स हैं, अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 15 ग्रिल्स जो हैं वो वेंटिलेशन के लिए अवेलेबल कराई गई हैं। देन सेम चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन इसके बाद अगर हम इधर आते हैं तो ऐसे कुछ आपको व्हील्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ अपोलो 195/65R15। इसके ऊपर के मॉडल्स में आपको 16 इंचेस के टायर्स देखने को मिलते हैं और एलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। एलॉयज अगर आप चेंज कराना चाहो तो आप यू नो इनको देखे। एंड हाँ, इसमें एक दूसरे टाइप के टायर्स भी आते हैं जो कि होते स्टील में, बट आजकल जो चले हैं ना, जो कि जिसमें आपको एलॉय व्हील्स का लुक देखने को मिलता है, तो वो भी आप अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15-20,000 रुपीज़ खर्च करके आप वो भी चीज़ ले सकते हैं। बट उसमें एक फ़ायदा ये होगा आपके पास कि आपको 16 इंचेस के टायर मिल जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन वाउच फॉर। देन उसके बाद हमें ये ORVM देखने को मिलते हैं। ORVM पे ही हमें टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। मैं एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ। ऐसे से हैं, थोड़े से अलग हैं नॉर्मल से, बट या दिस इज़ व्हाट इट इज़। देन बॉडी कलर्ड हमें हैंडल्स देखने को मिलते हैं और ऐसा सा ये लुक है साइड का। सेम टायर्स, रूफ रेल्स ग्रे कलर की, विच इज़ नॉन फंक्शनल, बट या मतलब स्टर्डी है ये, इट लुक्स गुड। मतलब इससे अगर आप हिलाओ तो पूरी गाड़ी हिल जाती है, बट या नॉन फंक्शनल है ये, इस पर आप लोड मत बांधिएगा। देन इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलती है फ्यूल लिड। डीजल इंजन है तो ऑब्वियसली DEF भी हमें यहीं पे देखने को मिलता है। देन इसके बाद पीछे साइड पे हमें यहाँ पे, मैं एक बार हेडलैम्प ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं आपको टेल लैम्प्स भी दिखा सकूँ। तो ये है हमारे पास टेल लैम्प का सेटअप, ये इंडिकेटर्स, ये टेल लैम्प यहाँ पूरे रन करते हैं ऐसे। और पीछे हमें यहाँ पे इस जगह पे देखने को मिलती है रिवर्स लाइट, ये हमारे रिफ्लेक्टर्स हैं। देन इसके बाद साइड में भी सेम चीज़ ही है, इस साइड भी ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेम। रिक्वेस्ट सेंसर हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा ये है हमारे पास यहाँ पे वाइपर्स, नॉर्मल वाइपर्स, वॉशर्स यहाँ पे अंदर। देन इसके बाद अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो हमें 3995 mm, ऑलमोस्ट 4 मीटर की ये इसकी लेंथ है, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV कहते हैं इसको। देन 1770 mm ये फ्रंट से यू नो वाइड है। और अगर हम हाइट की बात करें तो 1517 mm की इसकी हाइट है। देन व्हील बेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2500 mm का व्हील बेस है। आई गेस एक्सटर्नल सब कुछ हो चुका है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर जाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ चाबी। चाबी कैसी मिलती है हमें? चाबी हमें मिलती है सेंट्रल लॉकिंग वाली, जो कि यूजुअली हमें यू नो Venue या Hyundai की कोई भी कार्स में देखने को मिलती है। और इसमें लॉक, अनलॉक, एंड अगर गाड़ी लॉक है और आप इसको होल्ड करके रखिए तो आपके जो बूट है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बूट मैं आपको एंड में दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर बैठते ही सबसे पहले आपको इस स्क्रीन पर जैसे ही आप चाबी लगाएंगे, ये बहुत ही प्यारा सा Venue का एक वेलकम यू नो एक ग्रीटिंग काइंड ऑफ
ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। एंड अगर आप चाबी निकालते हैं देन ये आपको जब भी आपकी ड्राइव इन्फो है वो आपको बताती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं एक्चुअली गाड़ी। मौसम काफ़ी अच्छा है भाई साहब, मैं काफ़ी अच्छी लोकेशन पे हूँ एक्चुअली, आप देख सकते हो। एंड शुरुआत करते हैं इस तरफ से। इस तरफ आपको ये है हमारा यू नो दरवाज़ा पुल करने का लेवर, ये है लॉक एंड अनलॉक। और आप दो तरीके से गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। हमने अपनी गाड़ी बंद की है, पे दबाओगे तो चारों दरवाजे लॉक हो जाएंगे। एंड वी ऑल्सो हैव अ डेडिकेटेड लॉक एंड अनलॉक स्विच ओवर हियर, ये लॉक अनलॉक लॉक, तो ये है यहाँ पे। देन ये एक बॉटल होल्डर, उसके अलावा कुछ और स्पेस यहाँ पे, ये कभी स्पेस, और ये है ट्विटर इस दरवाजे पे, ये है एक स्पीकर। देन अंदर आते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ORVM एडजस्ट करने का स्विच। माइंड यू इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होते हैं ORVM, बट फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते हैं। देन इधर मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का स्विच देखने को मिलता है, जो कि आप यू नो चेंज करेंगे तो MID में आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा, जैसे मैं यहाँ पे ये है ना ऑफ एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ पे। देन ये है ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, ये भी आपको डिस्प्ले होगा। हेडलाइट लेवलर, ये है हमारा बोनट खोलने का लेवर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। इसके बाद हम आते हैं अपने स्टेयरिंग व्हील पे। स्टेयरिंग व्हील पे हमें देखने को मिलते हैं, लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलते हैं ये हमारे मल्टीमीडिया इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के स्विचेस, जैसे दिस वन इज़ फॉर वॉइस कमांड, ओके। एंड ये है वॉल्यूम अप एंड डाउन, ये है कॉल रिसीव एंड यू नो डिस्कनेक्ट करने के लिए, ये है मोड्स चेंज करने के लिए, ये है एल्बम्स को यू नो एल्बम्स या ट्रैक्स को सीक करने के लिए। देन दिस इज़ अ डेडिकेटेड स्विच विच इज़, जिसमें आप सेट कर सकते हो, कस्टम बटन है, इसको आप सेट कर सकते हो कि आपको क्या करना है इसमें। तो ये है हमारे पास इसका ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आपको इसमें से आप सेलेक्ट करके अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। इधर हमें मिलता है स्विच टू कंट्रोल दिस MID। इसके बाद इस साइड हमें देखने को मिलता है हेडलैम्प का स्विच, विच इज़ ऑटोमेटिक हेडलैम्प हमें देखने को मिलता है माइंड यू बाय द वे। देन ये है ऑफ पोजीशन पे ऑटो वन दी पार्किंग लाइट्स ऑन, दिस इज द मेन हेडलैम्प ऑन, इसी से आप ऐसे हाई बीम एंड लोअर बीम इसी से कर सकते हैं। देन इस साइड हमें ऑब्वियसली ऑटोमेटिक वाइपर्स देखने को तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक वाइपर्स हमें सिर्फ और सिर्फ Hyundai में आई गेस 200 में देखने को मिलते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देन इसके बाद ये आपको इसमें आप लेवल भी एडजस्ट कर सकते हो अपना, किस किस लेवल पे आपको चाहिए। देन आते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा AC का स्विच, मैनुअल AC है, तो इससे आप यू नो कंट्रोल करेंगे कि हवा किस तरफ किस डायरेक्शन में फ्लो करनी चाहिए। देन यहाँ पे हमारे पास है फैन का हमारे पास रेगुलेटर, देन ये है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, ये है AC ऑन AC ऑफ, ये एक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये यस ये रियर डिफॉगर का स्विच है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इसमें हमारे पास, एंड रियर वाइपर भी नहीं आता है इसमें, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। देन इसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है USB टाइप ए पुराना वाला, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, देन एक टाइप सी का सॉकेट। इस गाड़ी में माइंड यू तीन टाइप सी सॉकेट्स, तो एक तो ये रहा, और हाँ वायरलेस ऑटो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आता है इस गाड़ी में। इसी पॉइंट पे हम आ जाते हैं अपनी टच स्क्रीन पे, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ACC कुछ टच स्क्रीन अवेलेबल है इसमें, अगर आप ऑल मेन्यूज में जाके ये सारी चीज़ें आप फ़ोन प्रोजेक्शन देन वॉइस मेमो रेडियो सेटिंग्स क्वाइट मोड इज बेसिकली मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट सीट पे आपको ऑडियो आएगा, और मतलब पीछे साइड पे आपको ऑडियो नहीं आएगा। तो जैसे उसकी जैसे मान लो पीछे जो बैठा है उसको सुकून शांति चाहिए भाई साहब, तो वो वैसे कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम आए तो सेटिंग्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं साउंड के लिए, अगर आपको कहाँ इसमें भी आप पोजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं पोजिशन अपनी। देन इक्वलाइजर गाइडेंस ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। देन इसके बाद सेटिंग्स में जाके सॉरी हम लोग कहाँ थे ऑल मेन्यूज में ओके। देन इसमें हमारे पास मैनुअल भी है भाई साहब, अगर आप इसको स्कैन करिए तो आप पूरी की पूरी मैनुअल आप इससे पढ़ सकते हैं। तो ये है, देन ये है AC वेंट्स, यहाँ पे हमें मिलता है थोड़ा सा और स्पेस, ये है हमारा ग्लव बॉक्स, ये ऐसा सा कुछ है, ये हमें मैनुअल और फर्स्ट एड किट। देन इसके बाद सेम चीज़ हमारा इस तरफ, यहाँ पे पावर विंडो का स्विच और ट्विटर स्पीकर लॉक लेवर, और हाँ ड्राइवर साइड को ऑटोमेटिक अप एंड डाउन ये हमारी जो विंडो है वो मिलती है। देन इसके बाद इसी मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने के लिए, इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मिलते हैं कुछ बटन्स, जो कि बहुत ज़रूरी है भाई साहब। ये है हमारे पास यू नो इनको
जो हमारे चैनल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक टॉगल स्विच है। इसी से आप सेलेक्ट कर सकते कुछ भी, अगर आपको सेलेक्ट करना हो इसमें तो वो भी आप इससे यूज़ कर सकते हैं। देन सेटअप डायरेक्टली, अगर आपको सेटिंग्स में जाना हो, ये एक जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर जो स्विच है ये वाला, एक हमारे पास यहाँ पे भी स्विच देखने को मिलता है। देन अगर आपको यहाँ से सीख करना है ट्रैक या नेक्स्ट फॉरवर्ड या रेडियो स्टेशन में इधर उधर करना है तो वो आप कर सकते हैं। दिस इज टू चेंज द मीडिया, FM, ब्लूटूथ, USB, देन वी हैव एंड्रॉयड ऑटो एंड वी हैव एप्पल का प्ले AM। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। देन ये सारी चीज़ें हैं। देन ये है हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम डाउन एंड अप का स्विच, और अगर आप इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये पावर का भी काम करेगा एंड ये आपकी जो स्क्रीन है ये बंद हो जाएगी, और इसी को अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो स्क्रीन आपकी ऑन हो जाएगी। 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली डीजल इंजन है, और रिवर्स गियर ऐसे लगता है। ऐसा तो कुछ डिस्प्ले है रिवर्स गियर का, बहुत अच्छा डिस्प्ले नहीं है। एक मिनट मैं ज़रा कैमरा साफ करता हूँ, देखता हूँ क्या पता कुछ बेहतर हो जाए। ऐसा सा कुछ है अभी। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था पीछे कि हमारे पास यहाँ पे कैमरा हमें देखने को ये कवर्ड है। ओके, मे बी इसकी वजह से ये कुछ कुछ गंदा हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, हमें पीछे 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, रियर में एक ये स्किड प्लेट देखने को मिलती है, और एक ये हमें साइलेंसर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, लेट्स सी कि कैमरा कैसा हुआ है। यस, आई वॉज करेक्ट। मैं सोचा था यार Hyundai में इतना, मतलब थोड़ा सा अच्छा कैमरा तो आता है Hyundai में, तो ऐसा सा कुछ हमें कैमरा देखने को मिलता है। देन इसके बाद अगर हम पीछे आते हैं तो यहाँ पे हमें 2 कप होल्डर, इसमें एक एयर फ्रेशनर पड़ा हुआ है, हैंड ब्रेक, और ये हमारे पास सेंटर आर्म रेस्ट जिसमें ठीक ठाक स्पेस है। द स्पेस इज गुड, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, ये मेरा फ़ोन है, इसको आप ऐसे नहीं आएगा ये, तो हाँ ऐसे आ जाएगा ये, तो इतना हमें स्पेस देखने को मिलता है यहाँ पे। ये है हमारा सीट बेल्ट का हुक यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है हाँ ऊपर हमें मिलता है ये सन वाइज़र इधर भी, और ड्राइवर साइड पे भी कोई मिरर देखने को नहीं मिलता है, और कोई ड्राइवर साइड भी यहाँ पे कोई मिरर देखने को मिलता है। दिस इज़ रॉन्ग। देन एक और चीज़ जो कि कमी मुझे लगी है इसमें, विच इज़ दिस, यहाँ पे हमें यू नो कोई भी लाइट या सनग्लास होल्डर या कुछ भी नहीं देखने को मिलता, और हमारे पास यहाँ पे है IRVM जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है ऑटो डिमिंग के लिए, सॉरी मैनुअली एडजस्टेबल है डिमिंग के लिए। लाइट की बात करूँ तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ये लाइट देखने को मिलती है, कैबिन लाइट, विच इज़ रॉन्ग। एटलीस्ट यहाँ पे लाइट तो दे देनी चाहिए थी, मतलब डीजल इंजन लेके आप कितनी चीज़ें यू नो उसमें से कम कर रहे हो, बट क्या करें भाई साहब, डीजल इंजन चाहिए तो कुछ कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़नी। तो जो ड्राइवर सीट है, सॉरी स्टीयरिंग व्हील है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक वे एडजस्टमेंट जिसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अब सीट में एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। या सो दिस इज़ माय कंफर्टेबल पोजीशन। 5'8" मेरी हाइट है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कैसी सिचुएशन है पीछे। रॉन्ग एडजस्ट, हाँ इसमें मैं आपको बताना भूल गया था कि हमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट हमें देखने को मिलती है। दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन इज। अगर आप स्पेस के बारे में देखना चाहते हो तो इतनी स्पेस है, अगर मैं बैठूँ अंदर तो ऐसा सा कुछ स्पेस है भाई साहब हमारे पास, अंदर यहाँ पे स्पेस है ठीक ठाक अगर आप देखो तो। देन थाई सपोर्ट भी हमें देखने को अच्छा मिल रहा है, अच्छा थाई सपोर्ट है इसमें। देन बैक सपोर्ट भी अच्छा है, रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है। ओके, ये सीट जो है ये 60-40 स्प्लिट होती है, मैंने जो बहुत सारा सामान रखा हुआ है भाई साहब। उसके अलावा और जो चीज़ें हैं पीछे दरवाजे पे भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलती है जैसे को ड्राइवर साइड पे थी, बस यहाँ पे आपको स्पेस थोड़ा सा कम मिलता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बॉटल होल्डर है, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे नहीं है। ये वाली सीट मैंने ऑल द वे आगे कर दी है ताकि आपको पता चले कि कितना स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। पीछे हमें और एमिनिटीज़ के मामले में ये हमें AC वेंट्स देखने को मिलता है जिनका आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, एंड नीचे हमें Type-C के 2 Type-C चार्जर्स देखने को मिलते हैं। अब भाई साहब एंड्रॉयड में भी आ गए ना Type-C के कुछ फ़ोन, तो इसलिए अब कंपनीज Type-C देना शुरू कर दी हैं। पीछे जैसे मैंने आपको बताया कि ये लैम्प देखने को मिलता है, रीडिंग लैम्प जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो, है ना, कंट्रोल कर सकते हो इसका, कब ये जले कब ना जले। देन ग्रैब हैंडल, कोट हुक, इधर भी ग्रैब हैंडल, नो ग्रैब हैंडल ओवर देयर। देन इसके बाद हमें पीछे 3 हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। हाँ, यहाँ पे ना अब हमें 3-pointer सीट बेल्ट देखने को मिलता है जो कि इसके अंदर डाल दिया उन्होंने, और इसका
अलार्म भी बचता है। देन अब हमारे पास क्या बचता है देखने के लिए, बूट स्पेस। बूट स्पेस मैं आपको बहुत मुश्किल से दिखा पाऊंगा, मतलब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बूट स्पेस है यहाँ पे। पूरा बूट स्पेस पैक्ड है, इतना बूट स्पेस है, मतलब अगर आप देखो, मतलब शादी के घर है भाई साहब, तो थोड़ा सा पैक्ड है चीज़ें यहाँ पे। तो ये एक बड़े साइज़ का ट्रॉली बैग है जो कि पूरा फिट है यहाँ पे। उसके बाद भी आप यहाँ पे एक चेकिंग साइज़ का ट्रॉली बैग और कुछ और बैग्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे हमें यहाँ पे ये हज़ार ट्रायंगल, इसके नीचे हमारे पास जो स्पेयर व्हील है वो ऑब्वियसली स्टील रिम ही मिलता है, एंड जैक टूल्स एंड एवरीथिंग वो आपको देखने को वहाँ पर मिलते हैं। देन इसके अलावा हमें यहाँ पर ये यू नो एक लीवर मिलता है जिससे हम बंद खोल सॉरी इसको खींच के बूट को बंद कर सकते हैं। ये है इमरजेंसी के लिए, अगर आप गाड़ी में फंस जाओ तो आप चाबी से अपना जो बूट है उसको एक्सेस कर सकते हो, मतलब यहाँ अंदर से खोल सकते हो। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर, डिफॉगर, दोनों में से कुछ भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता जैसे मैंने आपको बताया। एंड पार्सल के लिए भी हमें नहीं मिलती है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसके बाद मुझे आपको बताना है कि ये जो MID है इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। इससे आप कंट्रोल करेंगे, इससे अगर आप टॉगल करेंगे तो आप डिफरेंट पेजेस में स्विच कर सकते हैं। ये डिफरेंट पेजेस हैं, इनमें आप स्विच कर सकते हैं और इससे आप यू नो अप एंड डाउन एंड ओके टू रीसेट इज, और अगर आपको कुछ भी सिलेक्ट करना हो तो जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो ये है कुछ भी वार्निंग्स, अगर जैसे मान लो आपको दिखा रहा है ना जैसे यूरिया लेवल ऑलमोस्ट आई गेस 70% हो गया है, तो ये एक वार्निंग दिखा रहा है छोटी सी। देन अगर हम नीचे आए तो टायर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, हाँ इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है और हाई एंड वाला आता है, तो बेसिकली हर एक टायर प्रेशर टायर में कितना प्रेशर है वो बताता है। टायर के प्रेशर थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि ये अभी अभी शोरूम से आई है तो उन्होंने उतना ज़्यादा करके दे दिया है, तो वील गेट इट चेंज एंड करेक्टेड। देन इसके अलावा हाँ हम स्विच करते हैं पेज में, ये हमें दिखाता है माइलेज। इस माइलेज को आप सही मत मानना, ये अभी अभी का है कि मतलब अभी मैंने रीसेट करा था, ये मतलब ये हमें दिखाता है कि कितना आप डिस्टेंस चले हैं, दिस इज हाउ मच टाइम यू टेकन टू ट्रैवल दैट मच ऑफ डिस्टेंस, एंड उतना हमारा क्या क्या माइलेज निकला है, और ये एग्जैक्टली रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी ये दिखाता रहता है। देन इसके अलावा ये है एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन हमारी ये बताती रहती है, और इसमें अगर आप देखो हाँ 150 किलोमीटर चलने में 7 आवर्स, मतलब 7 आवर्स इंजन रन किया है उस टाइम पे 13.5 किलोमीटर पर आर की फ्यूल एफिशिएंसी इसने दी है, किलोमीटर पर लीटर की, तो उसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हो कि एटलीस्ट मतलब ज़्यादा ही देगी है इससे। तो देन ऑटो स्टॉप, कितना देर के लिए ऑटो स्टॉप काम किया है 10 सेकेंड के लिए, ये भी मैंने रीसेट किया था। देन इसके बाद ये है हमारे पास सेटिंग्स, ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर की सेटिंग्स, इसमें अगर आप चाहो तो क्लस्टर की थीम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये ब्लू है, देन ये रेड है, देन ये यू नो काइंड ऑफ बॉटल ग्रीन टाइप या ब्लू आप मान सकते हो, सी ग्रीन टाइप ऑफ कलर है इसमें, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक्चुअली, तो ये रखते हैं अभी। देन वाइपर लाइट्स डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें आपको जो भी वार्निंग्स चाहिए हो, देन लाइट्स के बारे में आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट, देन रीसेट, अगर आप चाहो तो फैक्ट्री रीसेट कर दो इसको, तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और बाकी जो डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है माइंड यू। तो ये है हमारे पास RPM लेवल, ये है हमारे पास ये हमारा इंजन टेम्परेचर का, तो ये है हमारे पास पूरी जो स्क्रीन है माइंड यू ये फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और ये हमारे पास है इंजन कूलेंट टेम्परेचर ये बताता है, ये हमारे पास फ्यूल कितना बचा है वो बताता है, ये हमारे पास कितने किलोमीटर टोटल हम चल चुके हैं, टोटल ओडोमीटर ये दिखा रहा है, टेम्परेचर, डिस्टेंस टू MPT, एंड ये है हमारे पास RPM। मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, आइडल पे ये अराउंड 700 RPM पे रहती है। देन इधर हमारे पास दिखाता है स्पीड, और यहाँ पे कुछ कुछ वार्निंग लाइट्स जो कि मैं आपको फिर से एक बार गाड़ी स्टार्ट करके ऐसी कुछ वार्निंग लाइट्स और ये वेन्यू का प्रोजेक्शन बीच में देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर पाया होऊंगा, और अगर कुछ छूट गया हो तो आप ऑब्वियसली कमेंट डाउन करके क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कमेंट कर दीजिए, आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए किसी को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी मेरे चैनल पर उनको चेकआउट करिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।